क्या उनको गर्व नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा लिखा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है? मैं तो गुजरात विश्वविद्यालय से ये कहूंगी कि आपको तो जो आपका इतना यूनिक डिपार्टमेंट है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसको तो प्रधानमंत्री के नाम पे उसका नामकरण भी करना चाहिए, खासकर के इसलिए क्योंकि हमें तो आज तक 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जिन्होंने इस विषय में डिग्री करी हो, या 5 और ऐसे लोग मिले नहीं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लास में रहे हो या उनके साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिए हो। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इकलौते छात्र रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट तो ज़रूर उनके नाम पर उसका नामकरण होना ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से, कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों, और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद। देखिए, मुझे इस बात को लेकर दुख है कि जो IITs ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक ब्रांड है, जहां के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां उस ब्रांड को देखकर रिक्रूट करती हैं, जिस ब्रांड के आधार पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के भारतीय लोग CEO बने हुए हैं, आज उस IIT पर ही हमारे उपराज्यपाल महोदय सवाल उठा रहे हैं। देखिए, समस्या क्या है कि जिनको अपनी डिग्रियां छुपानी है उनको औरों की डिग्रियों पे तो सवाल उठाने ही पड़ेंगे। मैं तो उपराज्यपाल महोदय से भी आग्रह करूंगी, वो भी हमारी डिग्री दिखाओ कैंपेन का हिस्सा बने, वो भी अपनी डिग्री दिखाएं, और वो आग्रह करें भारतीय जनता पार्टी के भी और नेताओं से कि वो भी अपनी डिग्री दिखाएं। पूरे देश को, पूरी दिल्ली को, सब लोगों को पता तो चले कि आखिरकार जो लोग दिल्ली के लिए, जो लोग देश के लिए निर्णय ले रहे हैं, आखिर उसमें कौन कितना पढ़ा लिखा है। बिल्कुल, कैंपेन रेगुलर चलेगा, रोज आम आदमी पार्टी के एक एक नेता अपनी डिग्री देश के सामने रखेंगे। पंजाब तक भी जाएगा क्या? पंजाब में जो मंत्री हैं वो भी सब दिखाएंगे? बिल्कुल, धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी के सभी नेता अपनी डिग्रियां देश के सामने रखेंगे, और साथ ही हम आग्रह करेंगे रोज भारतीय जनता पार्टी से भी कि उनके वरिष्ठ नेता भी अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं।